अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खोए की खीर, जो ये हमारे हैदराबाद की शादियों में स्पेशली बनाया जाता है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये हम बनाएंगे 2 लीटर दूध की परफेक्ट क्वांटिटी के साथ में। तो दूध को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। और ये है चावल और बादाम। तो चावल और बादाम को हम एक साथ भीगने के लिए रख देंगे। तो 1 घंटे के बाद में हम बादाम के छिलके निकाल लेंगे। तो चावल और बादाम भीग जाने के बाद में हमने बादाम के छिलके निकाल के यहाँ पर छोटे से मिक्सर जार में डाल के रख लिया है। इसके अंदर हम थोड़ी सी इलायची और थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। इसको दरदरा पीस लेंगे ग्राइंडर में इस तरह से। और अब ये दूध भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया, तो इसके ऊपर अच्छी खासी मलाई जमा हो गई। इस तरह से मलाई जमा हो जाना दूध के ऊपर से। तो जब दूध मलाईदार हो जाएगा, हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल और बादाम का पेस्ट। और इसको हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जो चावल है वो अच्छे से गल जाए। और अब ये चावल भी और बादाम अच्छे से गल गए, तो हमने 2 मिनट के लिए दूध में पका लिया था। और अब हम ऐड करेंगे शक्कर। तो शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कीजिए। शक्कर ऐड करने के बाद में हम इसको बस 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और ये है दूध, और थोड़े से ज़ाफ़रान के काढ़ियों को हमने दूध के अंदर भीगने के लिए रख दिया था। और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद में हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। जितना कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ, 3 टेबलस्पून ही ऐड कीजिए कस्टर्ड पाउडर। अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर खीर ज़्यादा गाढ़ी हो जाती। तो ये 2 लीटर दूध के लिए काफ़ी है कस्टर्ड पाउडर। तो अब हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसको ऐड करेंगे कस्टर्ड मिक्सचर जो हमने बनाया है, खीर के अंदर ऐड कर लेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। और बस 1 मिनट ही पकाएंगे हम कस्टर्ड मिक्सचर ऐड करने के बाद में। तो 1 मिनट हो जाने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे खोवा। तो खोवा ऐड करने के बाद में इस तरह से हम अच्छे से मिला लेंगे चमचे से। और ये है वनीला फ्लेवर्ड एसेंस, 1 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। और अब ये खोए की खीर बनके तैयार हो गई। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो फ्लेम ऑफ कर लेने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। और ये है काजू, बादाम, पिस्ता और रेड चेरीज। तो ये हम खीर के अंदर ऐड कर लेंगे। और खीर को हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब भी आप इसको सर्व करेंगे, ठंडी ही सर्व कीजिए, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता। तो ये देखिए, इसको हमने गार्निश करके रख लिया है हमारे तरीके से। तो इसके खीर के ऊपर से थोड़ा सा चांदी का वर्क और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लीजिए इस तरह से। तो आप लोग भी इस खोए की खीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।